आइए निर्णायक समिति के निर्देश अनुसार आप मात्र शक्ति नारी शक्ति पर ये कथा श्रवण करने जा रहे हैं। ऐसी मात्र शक्ति जिसके बलिदान के कारण भगवान श्री हरि खुद को उनके घर में बालक बनकर आना पड़ा, उनके स्तनों का पान करना पड़ा, ये वो कथा है। आइए श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत ये कथा नंद बाबा और यशोदा के पूर्व जन्म की ये कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं कि भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन माता यशोदा के आंगन में क्यों गए आप श्रवण करेंगे। पूर्व जन्म में यशोदा सतीधरा के नाम से जिनका नाम हुआ, जिनके पति ऋषि द्रोण भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त, दोनों प्राणी हर पल हर क्षण ईश्वर भक्ति में हरि भक्ति में लीन रहते थे। जब ये बात भगवान विष्णु को पता चली नारद जी द्वारा कि तुम्हारे दो अनन्य भक्त हैं, दो पति पत्नी हमेशा श्री हरि को भजते रहते हैं, तो देखिए परीक्षा लेने गए। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ दोनों को वृद्ध माता पिता बनाया और खुद युवक बनकर जहां पर सती धरा और द्रोण रहते थे जाकर भिक्षा मांगते हैं, कहते हैं मेरे माँ बाप बड़े भूखे हैं, हमें भोजन कराइए। उस समय द्रोण घर पे नहीं थे। देखिए सती धरा ने जब देखा घर में कुछ राशन नहीं है, कहने लगी कि आप कुछ इंतजार करो, मैं आपके भोजन का प्रबंध करती हूँ। एक महाजन के घर जाती हैं, एक महाजन की दुकान पर जाती हैं, कहती है मेरे पति आएंगे, आपका जो भी दाम होगा दे देंगे, मुझे अतिथि का सत्कार करना है, भोजन करवाना है। लेकिन महाजन देखिए बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का, नीच प्रवृत्ति का था, उसने धरा के सौंदर्य पर आकर्षित हो गया, नजरें उसकी स्तन पर गड़ गईं, कहा तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। सती समझ गई, अपने दोनों स्तन काट कर उसको दे दिए, ये वो मात्र शक्ति है। तब देखिए भगवान ने वरदान दिया कि तुमने मेरे लिए ये जो कार्य किया है मैया, मैं तुम्हारा दूध पीने के लिए तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। आइए सुनेंगे। ऋषि द्रोण की पत्नी थी धरा था उसका नाम, पति सेवा में लीन रहे देखो आठो या। आज भगवान विष्णु जी परीक्षा लेने के लिए माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को वृद्ध माता पिता बनाकर आवाज देते हैं कि हमें भोजन करना है। तब देखिए भोजन घर में नहीं था, आज भोजन की व्यवस्था करने के लिए घर से निकली, देखिए क्या हुआ। चली है झोली को लेके बजा भोजन कराने की रुपया, चली हो लेके बाजार भोजन कराने की रुपया, चली है झोली लेके बाजार भोजन कराने की रुपया।
वाले की रुकिया है, गली है ढोली भोले के बाजार भोजन कराने के रुकिया है, गली है ढोली भोले के बाजार भोजन कराने के रुकिया है। आज महाजन की दुकान पर जाकर अपनी आप बीती सुनाई, कहे महाजन मेरे पति मेरे घर पर नहीं है और मुझे अतिथि का सत्कार करना है, भोजन कराना है, इसलिए तो महाजन को पीती सुनाए, मेहमान घर में है आए, महाजन को पीती सुनाए, मेहमान घर में है आए, महाजन को पीती सुनाए, मेहमान घर में है आए। गिरे लगी हो जल्दी से, हो जल्दी से दे दो जीरा मुझको ना देरी हो जाए, जल्दी से दे दो दीदार मुझको ना देरी हो जाए, जल्दी से दे दो दीदार मुझको ना देरी हो जाए। अरे घर में नहीं है, अरे घर में नहीं है मेरे भरदार भोजन कराने की ढोली को लेके बाजार भोजन कराने की रुकिया है, चलिए ढोली को लेके बाजार भोजन कराने। तब महाजन ने देखा इतनी परम सुंदरी, नियत गड़बड़ा गई, कहने लगी कि मुझे राशन चाहिए, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मेरे पति आकर सारा दाम चुका देंगे। आज महाजन कहने लगा तुम परम सुंदरी हो, तुम कुछ भी दे सकती हो। नियत को समझ गई, स्तनों पर जब नजरें पड़ी तो देखिए अतिथि के सत्कार के लिए क्या किया। हो महाजन की जो नजरें पड़ी, ओ महाजन की जो नजरें पड़ी, देह सुंदर तुम्हारी बड़ी, हो देखो नियत रही डगमगाए, हो देखो नियत रही डगमगाए, ओ रूप घूरे घड़ी हर घड़ी, देह सुंदर तुम्हारी बड़ी, महाजन की जो नजरें सुंदर तुम्हारी बड़ी, महाजन की जो नजरें देह सुंदर तुम्हारी बड़ी। क्या कहा, और अपने दोनों स्तनों को काट कर उसके बदले में राशन ले जाने लगी। देखिए क्या हुआ, हो काट डाले अपने स्तनों को, ये ले देती हूँ तुझको भी, काट डाले को, ये ले देती हूँ तुझको भी, ऐसा होने न दूंगी कभी, न दूंगी कभी, ओ मात शक्ति है, मात शक्ति है जग में बड़ी, देह सुंदर तुम्हारी बड़ी। और देखिए राशन लेकर आज अपने घर पहुंची, बड़ा सुंदर भोजन बनाया, खून में लथपथ भोजन करवाया,
और भोजन की थाल देने के बाद जैसे ही रसोई घर में गई, बेहोश होकर गिर गई। श्री हरि ने भोजन किया, माता पिता को करवाया, अंदर रसोई में जाकर देखा लहू लुहान पड़ी है। आज भगवान देखिए श्री हरि असली रूप में आए और परीक्षा पूर्ण हुई और क्या वरदान दिया, क्या कहने लगे। कहा है माता, आज तुमने जो उपकार किया है उसको मैं कई जन्मों तक, 7 जन्मों तक, 1,00,000 जन्मों तक नहीं भूल सकता। मैं आज तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे घर इन स्थलों का पान करने के लिए मैं आऊंगा। देखिए क्या खेलने लगे। अरे भूलेंगे न हम उपकार तुम्हारा, 7 जन्म, अरे 7 जन्म नहीं, 1,00,000 जन्म तक, 1,00,000 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक, 1,00,000 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। हाँ, अरे भूलेंगे न हम उपकार तुम्हारा,